प्रणाम मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मेन डोर के बिल्कुल सामने घर का बैक डोर है और ख़ासकर अगर बैक डोर का साइज बिल्कुल मेन डोर जितना ही है, तो जो कुछ व्यक्ति कमाता है, जो उस घर में कमाई आती है, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है, कुछ नहीं बचता। और कितना ही कमा ले उस घर में रहने वाले लोग, कोई खुशियाँ नहीं मिलेंगी घर में, कोई प्रसन्नता नहीं रहेगी, कोई आनंद नहीं रहेगा। और ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा मकान धीमे धीमे किसी और के हाथों में चला जाता है। और आपने देखा होगा, इवन शोरूम्स, घर तो छोड़ो, शोरूम्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, उनमें भी जनरली अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका नाम है, तो उनमें कभी भी फ्रंट डोर से बैक डोर नहीं दिखता। फ्रंट और बैक डोर आमने सामने नहीं होते। नई दिल्ली में आप देखिए, प्रगति मैदान में इतने पेविलियंस हैं, जब भी एग्जीबिशन लगता है, आप किसी भी पेविलियन में एंटर करेंगे तो वहाँ से कहीं भी बैक डोर नहीं दिखेगा आपको। और एंट्री अलग होती है, एग्ज़िट अलग होता है, उसमें जितने भी स्टॉल्स होंगे सभी में घूमना पड़ेगा आपको, और फिर एग्ज़िट से बाहर निकलना होता है, वापस भी नहीं आ सकते इवन आप। तो घर में इवन विंडोज़ के मामले में भी आमने सामने नहीं होनी चाहिए विंडोज़ कभी भी। वेंटिलेटर्स हैं, आमने सामने नहीं होने चाहिए। हाँ, बस अंदर के डोर्स हैं, जो इनर डोर्स, वो दो दरवाजे आमने सामने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ठीक नहीं है फिर। तो मेन डोर से जब बैक डोर दिखाई देता है, बहुत ही अशुभ है। इसी को राहु केतु योग कहते हैं। मकान में जो मेन डोर है वो है राहु, और बैक डोर जो है वो है केतु। काल पुरुष की कुंडली में तो राहु क्या है, मुख, और केतु क्या है, गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग। जो कुछ अंदर लिया उसका जो अब अवशिष्ट है, नेगेटिव चीज़ है, उच्छिष्ट है, उसको बाहर निकालना है, वो केतु है। इसी को ज्योतिष में काल सर्पयोग कहते हैं। काल सर्पयोग कैसे बनता है, अगर राहु मुख और केतु पुच्छ में सारे ग्रह बैठे हों, बाकी सातों, राहु उल्टा चलता है। मान लो राहु तीसरे भाव में है, तो तीसरे से वो दूसरे में आएगा, दूसरे से पहले में आएगा, इस तरह होगा नॉर्थ इंडियन सिस्टम होरोस्कोप का जो है। या ये कह लीजिए तीसरी राशि में है, तो तीसरी से दूसरी में आएगा, दूसरी से पहली में, पहली के बाद बारहवीं में आएगा, इस तरह उल्टा चलता है। तो राहु एक एक ग्रह का भक्षण करता जाएगा, तो इस तरह से इसी को कहते हैं काल सर्पयोग। तो घर में भी अगर आपके मेन डोर से बैक डोर बिल्कुल दिखता है, आमने सामने है, तो ये किस्म का घर में काल सर्पयोग हो गया, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो इसको ऐसे समझिए, जो मकान है हमारी ही बॉडी का एक्सटेंशन है। वास्तुशास्त्र में क्या है, वास्तु पुरुष है, ठीक है। तो मकान में जो भी हवा आती है वो पूरे मकान में फैलनी चाहिए। जितना हम सांस लेते हैं तो वो पूरे फेफड़ों में, और उसके बाद पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सब में जानी चाहिए। शरीर के रोम रोम में वो ऑक्सीजन जानी चाहिए। इसलिए योग शास्त्र में कहा है ना, जितना समय हम सांस लेने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा समय लगाना चाहिए हमें सांस छोड़ने में। मतलब अंदर शरीर को ऑक्सीजन चूसने के लिए टाइम दो। इसलिए जो सांस लेते हैं उसकी प्रक्रिया को कहते हैं पूरक, और फिर सांस रोकना वो है कुंभक, और सांस फिर बाहर छोड़ना वो है रेचक। तो अंदर जितना ज़्यादा कुंभक, मतलब जितना ज़्यादा अंदर टाइम देंगे, रोक के रखेंगे ऑक्सीजन को, हवा जो हमने ली है, उतना वो शरीर के रोम रोम में फैलेगी, उतना ही प्राण में होगा शरीर, मन, आत्मा। तो इसी तरह मकान में जो भी ऑक्सीजन आ रही है वो पूरे में फैले। अगर मान लो फ्रंट डोर के बिल्कुल सामने बैक डोर है, आप सोचिए फ्रंट डोर से जो आया, मान लो ऑक्सीजन ही आई, वो बैक डोर से फटाक से निकल जाएगी, कुछ नहीं बचा। फिर आइए इसको पानी में लगाते हैं। हम मान लो पानी के मामले में अब इसको लगाते हैं। अब हम पानी पीते हैं जैसे, और आयुर्वेद क्या कहता है,
के बैठकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है पचा पचाया भोजन है। अगर हम खड़े होकर पानी पियेंगे वो नीचे से निकल जाएगा, जबकि पानी का काम क्या है कि वो पूरे आंतों का सिस्टम है उसमें घूमे, शरीर के विषैले तत्व हैं जो उनको सोखे और फिर उसको पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा और कुछ पार्ट मल उसके द्वारा फिर बाहर निकाले गंदगी को। इसी यही चीज़ मकान में है कि वो रुके, जो भी चीज़ आ रही है एंट्री से, मेन डोर से जो भी चीज़ आ रही है उसको रुकने का टाइम दो, रुकने की स्पेस दो। उसके सामने अगर एग्जिट है वहाँ से निकल जाएगी अदरवाइज वो। इसी तरह खाना है, तो खाना जो हम खाते हैं शरीर उसका एक एक कण, एक एक पोषक तत्व वो चूस लेता है, एसिमिलेट करती है बॉडी, वो शरीर का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है, फिर जो बिल्कुल निकृष्ट है वो मल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो जिस तरह शरीर भोजन का चूषण करता है, उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लेता है और कुछ ही हिस्सा निकृष्ट है जो उसका वो बाहर निकलता है, इसी तरह से मकान में जो भी चीज़ आ रही है वो उसमें रुके, और रुकेगी तभी जब उसको सामने दरवाज़ा नहीं दिखा रखा आपने, फ्रंट डोर से बैक डोर दिख रहा है, कुछ नहीं रुकना। एक जो कहावत है ना पंजाब में, खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, जो खा पी लिया वो अपना। अब मान लो ऊपर से आपने लिया और नीचे एनस बिल्कुल एक लाइन में है, नीचे से निकल गया, वो कोई खाए पिए थोड़ा है। खाए पिए का मतलब है बॉडी को वो लगे, बॉडी उसके न्यूट्रिशियस पार्ट को अपना पार्ट बना ले और फिर नेगेटिव है जो उसका वो निकाले बस बाहर, तभी तो वो खाया पिया माना जाएगा। नहीं तो आप देखना बहुत से लोगों को कुछ बीमारी हो जाती है कि खाया पिया शरीर को लगता ही नहीं, खाते खूब हैं लेकिन वो शरीर को लगता ही नहीं, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा आदमी मर ही जाएगा। इसीलिए कहा था यहाँ कि मकान दूसरे के हाथ में चला जाता है वो, अगर फ्रंट डोर के सामने बैक डोर है, क्योंकि जो भी कुछ उसमें आ रहा है उस मकान में, जो भी कुछ लाया जा रहा है उसका पार्ट एंड पार्सल ही नहीं बन रहा, दूसरे तरफ से निकल गया। तो अब आइए इसकी रेमेडी बताते हैं। तो पहली बात, पहली रेमेडी कई बता रहा हूँ मैं आपको, पहली रेमेडी यह है कभी भी फ्रंट डोर और बैक डोर आमने सामने नहीं होने चाहिए। ऋषि वशिष्ठ का सिद्धांत है, एक को वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ मेन डोर लगाने के लिए। ऋषि वशिष्ठ का क्या सिद्धांत है, जिस भी दिशा में मेन डोर लगाना हो उसके 9 इक्वल पार्ट कर लीजिए, अंदर खड़े होकर करना है, और लेफ्ट से 3 पार्ट छोड़ के चौथे में आपने दरवाज़ा लगा देना है। तो इसमें क्या होगा आप देखना, किसी भी दिशा में अगर चारों दिशाओं में दरवाजे लगाते हैं आप, तो आमने सामने वाली दिशाओं के जो दरवाजे हैं वो कभी भी आमने सामने नहीं होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। ये मज़ेदार चीज़ है ऋषि वशिष्ठ के सिद्धांत में। और अगर आमने सामने हैं तो फिर उनकी जगह बदलो, आमने सामने ना हो, ठीक है। फिर आइए दूसरा क्या है, बैक डोर हमेशा छोटा होना चाहिए। जिस तरह हमारी एनस है, गुदा मार्ग है, वो छोटा है, मुंह जो है जिससे हम खाना खाते हैं वो बड़ा है, इसी तरह से बैक डोर छोटा होना चाहिए, मतलब अंदर जितना आ रहा है पीछे से कम निकले। तीसरी रेमेडी क्या है, कम से कम एक दरवाज़ा बंद रखिए। पहली बात तो बैक डोर हमेशा बंद रखिए, जब फ्रंट डोर खोल रहे हैं आप बैक डोर बंद दिखना चाहिए, उधर से खुला हुआ ना दिखे। और अगर आप बैक डोर यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट डोर बंद रखिए। बिल्कुल सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको, जब हम खाना खाते हैं गुदा मार्ग का प्रयोग नहीं करते, शौच नहीं जाते कोई उस वक्त में, या हम पानी पी रहे हैं उस वक्त पेशाब नहीं कर रहे, और जब पेशाब कर रहे हैं तो पानी नहीं पी रहे, और जब शौच जा रहे हैं मल त्याग कर रहे हैं तो कोई खाना नहीं खाते, बहुत अशुभ माना जाता है। तो कि जी आप खा पी रहे हो और मलमूत्र भी त्याग कर रहे हो, हंसेंगे लोग। तो सीधा सा फंडा है, जब फ्रंट डोर का यूज़ करें तो बैक डोर बंद, जब बैक डोर का यूज़ करें तो फ्रंट डोर बंद। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।